एक्सीडेंट हुआ था और मेरी आँख में मेरी ऐनक का शीशा टूट के लग गया था। उस टाइम पे मेरे लिए तो यही बात थी कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और चोट लग गई और ठीक हो जाएगी, लेकिन विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये छोटी चीज़ नहीं थी। मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है, मैं उन चीज़ों पे फोकस करती हूँ जो आम लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कोई कहानी है, कोई उसके पीछे वजह मौजूद है। फैसलाबाद की नॉर्मल आर्टिस्ट अलीना काजमी के फन पारों की नुमाइश। इस बच्ची ने अपनी जो, और इसकी उम्र भी देख लें कोई ज़्यादा नहीं है, इसने किस तरह से लाइफ को परसीव किया और उसको फिर फोटोग्राफी में ढाल दिया, तो ये तो एक बड़ा आर्टिस्टिक और बल्कि इवन लिटरेरी पीस भी बन गया कि इसमें कहानी ऐसी पिन्हा है और एक सीरीज़ है पूरी और बड़ी मुतासिर कुन, बड़ी अपीलिंग और हर बंदे को सोचने पर मजबूर करती है कि लोग मोहताज भी होते हैं, कमी कोताहियाँ भी उनमें होती हैं, हम उनको मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं और ना अनजाने में कभी कभी हमसे कुछ ऐसी खताएं भी हुई, उनके दिल भी दुखते हैं, वो किस करब से गुजरते, और फिर अल्लाह पाक ने देखी कि इसका कैसा सफ़र रखा है कि इसको पहले कमी से गुजारा, फिर बड़ी डीप परसेप्शन दी और उसके बाद में फिर इसके लिए ज़िंदगी आसान कर दी। तस्वीरों में फनकार के जज्बात की अक्कासी देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है। स्टोरी आर्ट गैलरी में लीना काजमी के फन पारों को देखने वाले इसे अपने अपने अंदाज में दाद देते हैं। अलीना ने जो काम किया है वो हूबहू इस बात की गवाही है कि आर्ट फोटोग्राफी फैसलाबाद में मौजूद है। उसने जिस तरह अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल एंड अपीलिंग एंड एनथ्रलिंग एंड वी आर टू मच इम्प्रेस्ड बाय दिस। जो आर्ट फोटोग्राफी है उसमें जो कैमरे के पीछे एक आर्टिस्ट खड़ा होता है वो उस मंज़र की फीलिंग को, उसके इमोशंस को फील करता है और वो एक चीज़ प्रोड्यूस करता है। ये आर्ट है और पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड आर्ट है, इसको आम फोटोग्राफी नहीं कहा जाता। और इसमें बड़ा आर्टिस्ट वो होता है, जो ग्रेट आर्टिस्ट होता है, जिसकी अपनी इमोशंस और उस सीन की इमोशंस आपस में मैच करें, कोरिलेट करें। लीना काजमी ने अपने आर्ट वर्क के जरिए मायूसी के बाद खुशी में निहाल होकर मनाजर फितरत की दिलकश अंदाज में अक्कासी की है। और ये जो फैसलाबाद में इस बच्ची ने माशाल्लाह काम किया है, इसने अपनी पूरी स्टोरी बताई है जहाँ से इसकी वो आँख का एक मसला बना और उसके बाद उसने क्या शानदार पेंटिंग्स की हैं, तो इन लोगों को तो खसूसी तौर पर इनक्रेज करना चाहिए। आर्ट हमारा बेसिकली, तो देखें हम लोग इतने दूर हो गए हैं, ये इस तरह की गैलरी तो मेरा ख्याल है हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए। अलीना काजमी की पहले स्टोरी सुनी और उसका सारा, इस बच्ची का आर्ट वर्क देखा, स्टूडेंट है हमारी फैसलाबाद की, तो इसमें हमें वो ज़िंदगी के तारीख पहलुओं से निकाल के ये स्टूडेंट जो है ज़िंदगी के रोशन पहलुओं की तरफ भी लाई और इसकी स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी जो बाद में आया भी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फैसल जमाल, मैं इस वक्त फैसलाबाद की वाहद और इकलौती आर्ट गैलरी चला रहा हूँ, मैं इसका फाउंडर हूँ। 2019 में मैंने ये सिलसिला शुरू किया। 2015 में मुझे कुछ पेंटिंग्स और कैलीग्राफी खताती की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने देखा हमारा शहर इस मामले में बंजर निकला, कोई भी एक आर्ट गैलरी नहीं थी। सोच का आना मुझे एक हौसला दे गया कि क्यों ना ये काम मैं ही कर दूँ। 2019 में मैंने इसकी बुनियाद रखी स्टोरी आर्ट गैलरी की। तब से फिर जितना टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो फाइन आर्ट पढ़ के बाहर आ रहे थे वो कहाँ जाते, उनके पास कोई फॉरम नहीं था। आर्ट काउंसिल अपनी जगह पे काम कर रहा था, प्राइवेट तौर पे लोग इसमें नहीं थे, तो मैंने ये पहला कदम उठाया, गैलरी शुरू की और उसमें फिर लोग आते गए, आर्टिस्ट मिलते गए, शायर हजरात, दूसरे हर तरह के जो फनूनल लतीफ़ा से जिनका तल्लक है,
लिखने वाले, पढ़ने वाले, बनाने वाले, हर किस्म की आर्ट के मुतल्लिक जो भी चीज़ें थी हमने उसकी कहानी को क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। अलीना काज़मी ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि आप कैसे लगते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका काम बोलता है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शाहिद अली, फैसलाबाद।